अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद रजा और मेरे चैनल नकवी टेक देर है। मैं अपने नकवी टेक चैनल तमाम दोस्तों को खुशाम दी कहता हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे लाल से बटन को क्लिक करें, साथ ही बेल को आइकन को क्लिक करें, साथ ही नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि आपको जो भी अच्छी अच्छी वीडियो हैं, PDA की टैक्सेस हैं, मोबाइल से प्राइस स्पेसिफिकेशन हैं और जो टेक वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो मैं कहता हूँ जो भी वीडियो आ रही हैं PTA टैक्सेस के बारे में वो आपको पसंद आ रही होंगी, आपको टैक्सेस मालूम हो रहे होंगे, आपकी हेल्प हो रही होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए PTA टैक्स पे करने में, टैक्स रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। आज की जो है वो PTA के जो टैक्सेस लग रहे हैं सैमसंग गलेक्सी A सीरीज़ पर, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो आपको कैसे मालूम हो सकते हैं, आपने क्लिक करना है सिंपली एक वेबसाइट पे, वो क्या है कि आपने डिस्क्रिप्शन लिंक मिले उस पर क्लिक करना है तो डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर PTA टैक्स कस्टम ड्यूटी सैमसंग गलेक्सी A सीरीज़ इन पाकिस्तान 2019 तो नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको थंबनेल नज़र आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस पर कितने टैक्स लग रहे हैं, कितने किस किस मोबाइल पर। तो सैमसंग गलेक्सी A30s इम्पोर्ट टैक्स इन पाकिस्तान, तो इसका जो टैक्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी प्राइस लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये देखें कि ये 5 या 10% ऊपर नीचे हो सकता है, ये 100% नहीं है क्योंकि IMEI नंबर हर मोबाइल का अवेलेबल नहीं होता। अगर किसी का मोबाइल का आपको जानना है तो आपको IMEI नंबर और जो है अपना नेम ईमेल अपना सेंड करना है। नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे चलते हैं और यहाँ पर ऑल मोबाइल मॉडल्स लिखे हुए, मैं नेम तमाम के अब ले देता हूँ और आप सुनते जाइए। अगर कोई भी मिस हो जाता है, किसी का नहीं पता, यहाँ पर मैं A सीरीज़ का नहीं बता सका, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में या आपको कांटेक्ट करेंगे तो उसमें बता दूंगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होने जा रही है वो सैमसंग के दूसरे जो सीरीज़ हैं, J सीरीज़ है और S पे मैं पहले बना चुका हुआ हूँ और जो है एम पे भी बना दूंगा, और इंशाल्लाह दूसरी कंपनीज़ जो हैं मोबाइल कंपनी उनके जितने भी टैक्स लग रहे हैं उन पे भी एक वीडियो लाजमन मैं बना दूंगा। तो नीचे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर A80 है, तो मैं आप तमाम एक जो है ना बता देता हूँ। A2 कोर है, A10s पे जो टैक्स लग रहा है वो भी जान सकते हैं, A9 Pro 2019। ये तमाम मॉडल्स मुख्तलिफ हैं, कुछ के नेम सेम होते हैं तो वो मॉडल्स चेंज होते हैं। 17, 18, 19 मॉडल्स भी ये तमाम पता है आप दोस्तों, जिनके पास मोबाइल हैं उनको पता होगा कि मोबाइल्स मॉडल्स चेंज हैं सब में। तो A20 है, A40 है, ऐसे तमाम मॉडल्स चेंज हैं। इनकी प्राइसेस के साथ आपको नीचे टैक्स भी, ये रेड कलर में जो लिखे हुए हैं ये टैक्सेस हैं इनके। तो A10 पे, A30 पे, A50 पे, A8s पे, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं आप देखते हैं। और नीचे ये मैंने इसलिए दिया हुआ आपको समझ आ जाए कि 10% ऊपर नीचे हो सकता है या 5% टैक्स कन्फर्म 100% तभी होता है जब आप IMEI नंबर सेंड करें, अपना नेम सेंड करें और ईमेल आप व्हाट्सअप करें तो मैं आपको बता सकूंगा और आपको PDF फाइल एक सेंड कर दूंगा। वो आपको टैक्स लिखा होगा, आपने जाके अपने बैंक में जाके आपने जमा करवा देना और आपका मोबाइल ओपन हो जाएगा। जिन्होंने टैक्स पे करना हुआ, जो भी प्रॉब्लम हुई तो आपने कॉमेंट कर लेना है और आपने व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो आपने वीडियोज़ को लाइक लाजमन कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है। तो नीचे आपको तमाम मोबाइल्स के मिल जाएंगे, मतलब कि A सीरीज़ के जो मोबाइल हैं तमाम उन पे मैं बता रहा हूँ। तो J सीरीज़ और M सीरीज़ पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर इस पे आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। मैं तब तक इजाज़त चाहता हूँ जब तक एक न्यू वीडियो अच्छी वीडियो के साथ हाजिर नहीं होता। अल्लाह हाफिज़ माय ऑल फ्रेंड्स।